और अब वक्त हो चला है लोकल टू ग्लोबल टॉप 100 का। देश विदेश की 100 फ्रेश खबरें फटाफट अंदाज में आपको दिखाएंगे। शुरुआत देश की खबरों के साथ करने जा रहे हैं। मुंबई में आज विपक्षी गठबंधन इंडिया की बड़ी बैठक, 28 दलों के नेता बैठक में शामिल होंगे। इंडिया की तीसरी बैठक में लोगो और सीट बंटवारे पर चर्चा होगी, कल जारी होगा इंडिया का लोगो। इंडिया की बैठक में संयोजक का नाम भी होगा तय, सीट बंटवारे को लेकर बड़े नेताओं की बनेगी कमेटी। उद्धव ठाकरे विपक्षी गठबंधन के नेताओं को आज देंगे डिनर, कल कांग्रेस की तरफ से लंच का आयोजन। मुंबई में कल रोड शो करेंगे राहुल गांधी, होटल ग्रैंड हयात से कांग्रेस दफ्तर तक होगा रोड शो। पीएम उम्मीदवार को लेकर महाविकास अघाड़ी का बयान, हमारे पास पीएम पद के लिए कई चेहरे, बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं। इंडिया की बैठक पर महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष बावन खुले का तंज, कहा वो दो दिन मौज मस्ती करेंगे और फिर वापस लौट जाएंगे। मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, एयरपोर्ट से लेकर होटल तक सुरक्षा बल के जवान तैनात। अधीर रंजन चौधरी का लोकसभा से निलंबन, रद्द विशेषाधिकार समिति के सामने पेश हुए थे अधीर रंजन। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बड़ा बयान, कहा लगातार बढ़ रहा है इंडिया का कुनबा, बीजेपी सत्ता से होगी बेदखल। इंडिया के साथ गठबंधन पर बोले अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कई विकल्प मौजूद। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्जियन ने कीव के मेयर का जारी किया बयान, 20 मिसाइलों को मार गिराने का दावा, मलबे में कई इमारतें क्षतिग्रस्त, दो की मौत। कीव पर हमले के बाद तबाही का वीडियो सामने आया है, रूसी गोलीबारी से घरों बाजारों में भारी क्षति पहुंची है और चंद सुपरमार्केट में भी सारा सामान बर्बाद हो गया। रूसी सेना के सामने यूक्रेनी सैनिक ने डाले हथियार, हथियारों से भरी गाड़ी के साथ यूक्रेनी सैनिक ने किया सरेंडर, रूस ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन ने रूस पर तेज किए जवाबी हमले, यूक्रेनी आर्टिलरी ने रूसी सैन्य ठिकानों पर बारूदी बौछार की, हमले में रूसी ऑटोमेटिक गन और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो गई। रूस ने काउंटर अटैक में मार गिराया यूक्रेनी लड़ाकू विमान SU-25, हमले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, खेत में दिखा दुर्घटनाग्रस्त SU-25 लड़ाकू विमान। रोबर्टिन में यूक्रेनी एयरफोर्स का रूसी सेना पर विध्वंसक प्रहार, यूक्रेन के कब्जे में पहले ही है रोबर्टिन का उत्तरी हिस्सा। यूक्रेन ने स्टेलरा 10 डिफेंस सिस्टम से रूस के पूर्वी क्षेत्र में भीषण अटैक किया है, हमले में रूस का ड्रोन क्षतिग्रस्त हो गया। यूक्रेन का रूस पर भीषण अटैक, FPV कामिकाजी ड्रोन से रूसी सैन्य ट्रक को निशाना बनाया गया, हमले में रूसी ट्रक तबाह हो गया। अमेरिका के फ्लोरिडा में इडालिया तूफान से तबाही, हार्शू बीच पर एक घंटे के अंदर घरों में घुसा पानी, पानी में डूबने की विनाशकारी तस्वीर आई सामने। जंग के बीच जर्मनी की यूक्रेन को नई सैन्य सहायता पैकेज का ऐलान, 10 लेपर टैंक, TRML 4D रडार समेत 13 बिलियन से ज्यादा हथियार, गोला बारूद शामिल। इंडिया की बैठक से पहले उद्धव ठाकरे से मिली ममता बनर्जी, मुलाकात के दौरान उद्धव ठाकरे को बांधी राखी। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा लोकसभा चुनाव में होगा खेला, बहुत सारी सीट आएंगी। मुंबई में अमिताभ बच्चन से मिली ममता बनर्जी, मुलाकात के बाद ममता ने कहा अमिताभ को भारत रत्न देने की अपील करूंगी। झारखंड में ओवैसी की सभा में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, वीडियो वायरल होने के बाद आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। ओवैसी का हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना, कहा झारखंड में हो रहा है अल्पसंख्यकों के साथ सौतेला व्यवहार। इंडिया की बैठक से पहले आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान, कहा अरविंद केजरीवाल पीएम पद की रेस में नहीं। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का पीएम मोदी पर निशाना, कहा चीन हमारी जमीन पर कर रहा कब्जा और पीएम कुछ नहीं कर रहे। SII चेयरमैन साइरस पूनावाला ने शरद पवार को दी रिटायर होने की सलाह, कहा दोबारा पीएम बनने का मौका गंवाया। न्यायपालिका को लेकर सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान, कहा न्यायपालिका में है भयंकर भ्रष्टाचार। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, कहा राहुल ने बार बार दिखाया मानसिक दिवालियापन, देश को अपमानित करना राहुल की आदत बन चुकी है। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रायपुर में बीजेपी घोषणा पत्र समिति की बैठक में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश में नए मंत्रियों को मिला प्रभार, बिसेन को नर्मदा घाटी विकास और राजेंद्र शुक्ला को मिला लोक स्वास्थ्य विभाग। सीएम भगवंत मान की राज्य कर्मचारियों को चेतावनी, कहा हड़ताल पर गए तो हमारे पास बहुत लोग हैं बेरोजगार जिन्हें नौकरी की तलाश है।
सीएम भगवंत मान ने 5,714 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सौंपा नियुक्ति पत्र। एक आंगनबाड़ी वर्कर ने सीएम मान को बाधी राखी। यूक्रेन का रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। कीव पर कई मिसाइलों ने भीषण स्ट्राइक की। क्रूज मिसाइलों से दहली यूक्रेन की राजधानी कीव। रूस के 10 शहरों पर बड़ा ड्रोन अटैक। हमले में 7 एयरक्राफ्ट तबाह हो गए। हमले में 6 ट्रांसपोर्ट विमान IL-76 जल उठे। ड्रोन अटैक में जला रूस का परमाणु बॉम्बर TU-22। जवाबी कार्रवाई में रूस ने यूक्रेन के 7 शहरों पर बारूदी बौछार की। 6 घंटे में यूक्रेन पर दागी 371 मिसाइलें। हमले का दहलाने वाला वीडियो सामने आया। स्कोव एयरबेस पर आग लगने से भारी नुकसान। 7 सैन्य वाहनों के विमानों के तबाह होने के बाद रूस ने उड़ानों पर लगाई पाबंदी। यूक्रेन हमले में लगी थी आग। रूसी विदेश मंत्रालय का बयान। कहा, बख्शे नहीं जाएंगे ड्रोन हमले के लोग, भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। 18 महीने में सबसे बड़ा हमला। कीव के अस्पतालों में खून की कमी। धमाकों के मलबे से कीव शहर हुआ जाम। कीव पर रूस के 40 मिसाइल अटैक। यूक्रेनी अधिकारियों का दावा, कीव पर रूसी हमले में 2 लोगों की मौत जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल। जेलेंस्की के सलाहकार के मुताबिक तेजी से रूसी क्षेत्र की ओर बढ़ रहा यूक्रेन। यूक्रेन ने हमले की जिम्मेदारी लेने से इनकार किया। रूस का यूक्रेन पर विध्वंसक प्रहार। UR-77 मेटियोरिट से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। हमले में कई सैन्य ठिकाने तबाह। कीव में बढ़ाए गए डिफेंस सिस्टम। राष्ट्रपति जेलेंस्की को सपरिवार बंकर में भेजा गया। कीव के मंत्रालयों से बड़ी VIP मूवमेंट। फ्लोरिडा वायुसेना बेस पर दिखाई दी तूफान। इटालिया के आने के बाद की तस्वीरें। आसमान में देखी नीले रंग की कड़कती बिजली। विमान के पायलटों ने कैमरे में कैद की तस्वीरें। रोवर प्रज्ञान ने विक्रम लैंडर की तस्वीर। रोवर प्रज्ञान के नेविगेशन कैमरे में ली है तस्वीर। जैसलमेर के पोखरण में भारतीय सेना ने किया युद्धाभ्यास। अर्जुन टैंक की दहाड़ से थर्राया पूरा इलाका। पीएम मोदी ने स्कूली बच्चों के साथ मनाया रक्षाबंधन। बच्चों ने पीएम मोदी की कलाई पर राखी बांधी। कोलकाता में सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने मनाया रक्षाबंधन का त्यौहार। राहुल गांधी की तस्वीर के साथ लगाई विशाल काय राखी। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने पूर्व मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को बांधी राखी। मिठाई खिलाकर दी शुभकामनाएं। सिक्किम के नाथुला दर्रा में छात्रों ने ITBP के जवानों के साथ मनाया रक्षाबंधन। लड़कियों ने जवानों की कलाई पर बांधी राखी। SP नेता शिवपाल यादव ने बहन के घर पहुंचकर बंधवाई राखी। पैर छूकर बहन कमला देवी का लिया आशीर्वाद। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने वृद्धाश्रम जाकर मनाया राखी का त्यौहार। MP सरकार के मंत्री तुलसी राम सिलावट भी रहे मौजूद। सीएम गहलोत ने घर वालों के साथ मनाया रक्षाबंधन का त्यौहार। गहलोत ने अपने संदेश में कहा, राजस्थान की बहनों की सुरक्षा और सम्मान हमारी प्राथमिकता। बंगाल के फुलवारी में भारत बांग्लादेश सीमा पर मना रक्षाबंधन का त्यौहार। महिलाओं ने BSF जवानों को बांधी राखी। हैदराबाद में रक्षाबंधन की धूम। बाजारों और घरों में उत्सव का माहौल। मंदिरों में भी भव्य सजावट की गई। छत्तीसगढ़ के रायपुर सेंट्रल जेल में भी मना राखी का त्योहार। जेल प्रशासन और कैदियों ने राखी बांधकर एक दूसरे को दी शुभकामनाएं। गुजरात के सूरत सेंट्रल जेल में भी कैदियों ने मनाया राखी का त्योहार। एक दूसरे को दी बधाई। कोलकाता के रेड लाइट एरिया सोनागाछी में भी धूमधाम से मनाया गया राखी का त्योहार। बड़ी संख्या में सेक्स वर्कर हुई शामिल। स्कोव हमला। नाटो बेस से रूस पर पहला अटैक हुआ है। एस्टोनिया से 30 किलोमीटर दूर है स्कोव एयर बेस। रूस ने शुरू की ड्रोन हमले की जांच। रूस का बयान, स्कोव एयर बेस हमले पर यूक्रेन ने साधी चुप्पी। शुरुआती जांच में एस्टोनिया से हमले के सुराग। यूक्रेन ने ब्रयांस्क, कालुगा और राजधानी मॉस्को से बाहरी इलाकों को ड्रोन कर अटैक कर दहलाया। अटैक के बाद मॉस्को समेत कई शहरों में एयर अलर्ट। बड़े हमलों के बाद क्रेमलिन में आपात बैठक। रूस के सभी नेवल फ्लीट हमले को तैयार। यूक्रेन पर कभी भी हो सकते हैं क्रूज मिसाइल हमले। एस्टोनिया भी बन सकता है रूस का टारगेट। रूस का दावा, स्नेक आइलैंड पर यूक्रेन के हमले को नाकाम किया। हमले में आइलैंड के पास 2 यूक्रेनी बोटों को तबाह किया। रूस ने ब्लैक सी में यूक्रेन के खिलाफ शुरू किया स्पेशल ऑपरेशन। रूस का दावा, रूसी पैराट्रूपर्स ने ब्लैक सी में 4 यूक्रेनी शिप को नष्ट किया। ड्रोन अटैक को लेकर दावा, स्कोव हमले में ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के शामिल होने का सुराग। हमले के बाद रूस और नाटो में सीधी टकराव की आशंका। MI6 और यूक्रेनी इंटेलिजेंस सर्विस GUR का ज्वाइंट ऑपरेशन। मई महीने से बन रहा था एयरबेस हमले का प्लान। स्कोव में सिर्फ एंटी एयरक्राफ्ट गन थी तैनात। रूस का दावा, नाटो से मिले हथियारों से रूस के अंदर हुआ हमला। US इंटेलिजेंस की मदद से रूस के सिविलियन इलाकों पर हमला।
दिल्ली के भजनपुरा में मैनेजर की हत्या मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। बिहार में सरकारी स्कूलों में होने वाली छुट्टियां घटाई गई, छुट्टियों की संख्या 23 से घटाकर 11 की गई। बिहार के अररिया में स्कूलों की छुट्टी में कटौती को लेकर प्रदर्शन, सैकड़ों शिक्षकों ने सरकार पर बोला हमला। बिहार के नालंदा में भी छुट्टी कटौती को लेकर शिक्षकों ने किया विरोध प्रदर्शन। G20 को लेकर दुल्हन की तरह सज रही है दिल्ली, राजधानी की सड़कों पर लगेंगे 2.5 लाख फूल पत्तियों से बने गमले। यूपी के हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज मामले में SIT गठित, 7 दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपी गई चाहे SIT। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार, फर्जी विजिलेंस अफसर बनकर एक शख्स से लिए थे 25 लाख रुपए। नू हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक मामून खान से होगी पूछताछ, मामून खान पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप। यूपी के गाजियाबाद में वकील की हत्या, चैंबर में घुसकर बदमाशों ने मारी गोली। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में खाई में गिरी कार, हादसे में 2 लोग घायल, 1 शख्स लापता। मुंबई के चैंबूर में युवक की बेरहमी से हत्या, आरोपी ने शव के कई टुकड़े किए। बिहार के रोहतास में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और SUV की टक्कर में 7 लोगों की मौत, 5 घायल। पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर ने लिया युद्ध की तैयारियों का जायजा, भारत की सीमा के पास पाकिस्तान करा युद्धाभ्यास। गोपनीय दस्तावेज लीक मामले में इमरान खान की मुश्किलें बढ़ी, 13 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे इमरान। पोर्ट सिटी ओडेसा पर रूस का रॉकेट से हमला, ओडेसा में यूक्रेनी पोस्ट को चुन चुन कर निशाना बनाया। यूक्रेनी फ्रंटलाइन पर रूसी सेना ने ग्रैड MLRS से दागे ताबड़तोड़ रॉकेट, रूस के रॉकेट अटैक में कई यूक्रेनी ठिकाने तबाह। यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी से किया प्रहार, हमले के बाद रूसी ठिकाना धुआं धुआं हुआ, मैदान छोड़कर भागे सैनिक। पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे को लेकर खूनी लड़ाई जारी, डोनेस्क में ट्रेंच में छिपे रूसी सैनिकों पर यूक्रेन की गोलियों की बौछार। न्यूक्लियर एटमी धमकी पर रूस का अमेरिका को जवाब, कहा US ने एटमी टेस्ट किया तो रूस भी करेगा। नाइजर के बाद एक और अफ्रीकी देश गैबॉन में सेना ने सरकार का तख्ता पलट किया, प्रिगोजीन की मौत से पहले गैबॉन में सक्रिय थे वैगनर। US ने चीन के खिलाफ लॉन्च किया ड्रोन प्रोग्राम, स्वार्म ड्रोन के जरिए चीन से टक्कर की तैयारी, 24 घंटे में 1000 टारगेट पर निशाना साधने की तैयारी। उत्तर प्रदेश के अमेठी में 2 पक्षों में मारपीट, धारदार हथियारों से हमले में सुलह कराने गए प्रधानमंत्री की मौत। लखनऊ में मुख्तार अंसारी के गुर्गे उमेश सिंह की संपत्ति कुर्क, मन्ना सिंह मर्डर केस में आरोपी है उमेश सिंह। पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉ स्टूडेंट दरवीर ने जारी किया मारपीट का वीडियो। दिल्ली के पास भाई को राखी बांधने जा रही महिला को ट्रक ने रौंदा, हादसे में महिला की मौत। मध्यप्रदेश के ग्वालियर में पुलिस ने हथियार तस्कर को किया गिरफ्तार, तस्कर के पास से 6 पिस्टल और मैगजीन बरामद। IT हार्डवेयर PLI स्कीम में 32 कंपनियों ने किया आवेदन, IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। देश के कई शहरों में दिखा दुर्लभ सुपर ब्लू मून का नजारा, दिल्ली के इंडिया गेट पर भी लोगों ने सुपर ब्लू मून को का किया दीदार। ताजमहल घूमने आए सैलानियों ने भी देखा सुपर ब्लू मून, चांद की रोशनी में ताजमहल को देख मंत्रमुग्ध हुए दर्शक। सीएम योगी ने गोंडा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, योगी ने बाढ़ पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। पांडिचेरी में बारिश से जलजमाव, सड़कों पर और निचले इलाकों में भरा पानी।